हेलो डियर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभी के क्लास में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, जो क्लास नाइन्थ और क्लास इलेवेंथ दोनों का चैप्टर है। क्लास नाइन्थ में एनसीईआरटी में इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, क्लास इलेवेंथ में इसमें हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ सेल साइकिल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी के इस पॉइंट के बारे में, जिसको रडल विर्चो ने दिया था। रडल विर्चो कब दिया था? 1855 1859। क्या बोला था इन्होंने? ओमिनस सेलुला ई सेलुला मीन्स न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी नए सेल का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है? पुराने सेल से। ये किसने बोला था? तो रडल विक्रो ने। रडल विक्रो सेल के लिए बोला, और स्टार्स बर्गर, स्टार्स बर्गर ने इसे सेम बात न्यूक्लियस के लिए बोला। न्यूक्लियस के लिए स्टार्स बर्गर ने बोला। तो इसके अनुसार हम लोगों को पता चलता है कि जो नए सेल का फॉर्मेशन है वो पुराने सेल से हुआ है। तो जिस प्रोसेस के द्वारा पुराने सेल से नए सेल का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न होने के लिए वो पूरा फेज या वो पूरा इवेंट, जिसमें अलग अलग इवेंट के सीक्वेंस के द्वारा जब एक पुराना सेल नए सेल में परिवर्तित होता है या चेंज होता है या नए सेल को फॉर्म्ड करता है, उस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट के सम को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। सेल साइकिल किसको कहेंगे? तो पुराने सेल से नए सेल के फॉर्मेशन होने तक उनके बीच में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स उसके अंदर होता है, जिसके द्वारा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉपी होते हैं, अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, उसके जीनोम कॉपी होते हैं। तो उन सभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। ठीक है, यानी यहाँ पे ये दो टॉपिक हम लोगों के पास है, एक है सेल साइकिल, दूसरा है सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न किसको बोलेंगे? तो ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक पुराना सेल दो नए सेल्स में बट जाते हैं, दो या चार सेल्स में बटते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसका टाइप कौन है। यहाँ पे हम देखेंगे तो सेल डिवीज़न जो है वो तीन टाइप का है। एक होता है ए माइटोसिस, एक होता है माइटोसिस, और दूसरा होता है मियोसिस। क्योंकि हम जानते हैं बस दो तरह का सेल है, तो माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल में होता है, सोमैटिक सेल में, और मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल में होता है। किसमें होता है? जर्म सेल में। तो हम लोग सेल साइकिल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का यहाँ पर डिफाइन हम लोगों के पास है कि ये वो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल, एक सेल जो है वो क्या करता है? डुप्लीकेट करता है इसके जीनोम को, इसके अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स को फॉर्म करता है, बनाता है, और दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का दो फेज होता है। दो फेज, पहला फेज कौन सा है?
तो पहला फेज कहलाता है इंटरफेज। पहला फेज क्या है? पहला फेज है हमारा इंटरफेज। इसको हम रेस्टिंग फेज पहले इसे बोला जाता था, या इनएक्टिव फेज, जिसके अंतर्गत एक्चुअल डिवीजन होने के लिए सेल अपने आप को क्या करता है? प्रिपेयर करता है। और दूसरा होता है यम फेज, जिसमें एक्चुअल डिवीजन होता है, तो इंटरफेज क्या है? वो फेज है सेल साइकिल का, वो फेज यानी सेल दो हिस्सों में या दो नए सेल्स में बटने के लिए, बटने से पहले उनके अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं वो जिस फेज के अंदर होता है उस फेज को हम इंटरफेज कहते हैं। और दूसरा जो है यम फेज, जिसके अंदर एक्चुअल डिवीजन होता है, इसको हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं। तो ये जो फेज ऑफ साइकिल है ये अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन सेल को, ह्यूमन सेल 24 आवर्स लेते हैं डिवाइड होने के लिए। तो जिसमें इंटरफेज जो होगा वो हमारा कितने आवर का होगा? 23 आवर्स का। और जो यम फेज है वो 1 आवर का होगा। बैक्टीरिया में ये 20 मिनट में उसमें डिवीजन हो जाता है, ईस्ट में 90 मिनट्स लगते हैं। तो सेल साइकिल में दो फेज होता है, पहला फेज इंटरफेज कहलाता है, दूसरा एम फेज कहलाता है। इंटरफेज उस फेज को कहते हैं जिसमें सेल एक्चुअल डिवीजन होने से पहले उसके जो भी रिक्वायरमेंट है उसको वो प्रोसेस करता है उस फेज के अंदर, उसी फेज को हम कहते हैं इंटरफेज। और दूसरा फेज कौन सा है? यम फेज। यम फेज के अंदर या एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है। अब हम लोग इंटरफेज को डिफाइन करते हैं। तो इंटरफेज क्या है? तो इंटरफेज क्या है? तो ये कॉम्प्लेक्स चेंजेस है, यानी अब क्या होगा, जो सेल्स हैं उसके अंदर चेंजेस होंगे जिसके लिए, जिसके कारण नए सेल्स का फॉर्मेशन हो सके। मींस द कॉम्प्लेक्स चेंजेस दैट अकर्स इन न्यूली डिवाइडेड और फॉर्म्ड सेल्स सो दैट दे कैन डिवाइड फर्दर डिवाइड। यानी सेल्स के अंदर वो चेंजेस होते हैं जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, फिर से वो डिवाइड हो सकते हैं या अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसके अंदर बायोसिंथेसिस एक्टिविटी होता है, यानी इसके अंदर सेल्स जो होते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या फॉर्म्ड करते हैं। तो इसके अंदर होता क्या क्या है? तो पहला होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए इसमें क्या करता है, अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला देखेंगे रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब ये एक प्रोसेस है रेप्लिका बनाने का। रेप्लिका मतलब कॉपी, यानी द प्रोसेस बाय विच न्यू डीएनए इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ओल्ड डीएनए, यानी पुराने डीएनए के हेल्प से नए डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। मीन्स रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिका, मीन्स कॉपी ऑफ द डीएनए। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन। अब ये जो डीएनए का फॉर्मेशन होगा, या हम लोग इसको जब पढ़ते हैं तो डीएनए जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो नॉर्मली क्रोमेटीन के फॉर्म में होता है। और ये क्रोमेटीन क्या है, तो ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से बनता है। ठीक है, तो क्रोमेटीन के फॉर्म में होता है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट, जो बंधा होता है हिस्टोन के साथ। उस हिस्टोन यानी नए जो डीएनए बनेंगे उसके लिए वो हिस्टोन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उसका भी सिंथेसिस
इस फेज के अंदर होता है। किस फेज के अंदर? इंटर फेज के अंदर। दूसरा है डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल अगर हम देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और वो पोल्स के तरफ मूव करते हैं, जो इसमें हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। दूसरा सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, इसके अंदर उसका फॉर्मेशन होता है। तो इंटरफेज को भी क्या किया गया है, फर्दर डिफरेंट फेज में बांटा गया है। अब वो डिफरेंट फेज कौन कौन सा है? जी वन है, एस है, जी टू है। जी वन को क्या बोलेंगे, यानी ये किसके पहले है? तो ये सिंथेसिस फेज के पहले है, इसलिए हम लोग इसका क्या नाम बोलते हैं, प्री सिंथेटिक फेज। या ये माइटोसिस के बाद हो रहा है, या एम फेज के बाद है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। उसका वहां से इसका दूसरा नाम पड़ा है। एस फेज सिंथेसिस फेज, जिसके अंदर डीएनए का फॉर्मेशन होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। जी टू पोस्ट सिंथेटिक फेज या प्री माइटोटिक फेज। तो इंटरफेज को क्या किया गया है, फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें तीन फेज आते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग बात किए हैं कि जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल, इसको डिवाइड होने के लिए कितना लगता है, 24 आवर्स, जिसके अंदर 23 आवर्स किस में था, इंटरफेज, और 1 आवर में कौन है, यम फेज। तो इंटरफेज में अभी हम लोग कौन कौन है, G1 है, S है और G2 है, जिसमें G1 सिर्फ अकेले 10 आवर्स में कंप्लीट होता है, S फेज के लिए 9 आवर्स, और G2 जो कंप्लीट होता है वो 4 आवर्स में। यानी इस हिसाब से देखते हैं तो G1 फेज जो होता है वो इंटर फेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ G1 फेज। इसके अंदर क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, सेल और न्यूक्लियस ग्रो इन साइज, सेल एंड न्यूक्लियस ग्रो इन साइज कुछ हद तक। इसमें बायोकेमिकल्स का फॉर्मेशन होता है। बायोकेमिकल्स का फॉर्मेशन कौन कौन है, आरएनए है, प्रोटीन है, एंजाइम है, एमिनो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और एटीपी, जिसमें जो सबसे फर्स्ट में बोला गया था कि इसके अंदर चेंजेस होते हैं इंटरफेज में, और उसमें एनर्जी रिच कंपाउंड था, तो वो है एटीपी। इसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेते हैं। अब जो जीवन है वो लंबा होगा इनफ्रीक्वेंटली, यानी जो हमेशा डिवाइड होते हैं उसमें ये छोटा होता है, और जो कभी कभी डिवाइड होते हैं या उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स नहीं है, उसमें ये लंबे होते हैं। जीवन के बाद हमारा जो है वो है एस फेज। इंटरफेज में तीन फेज, जिसमें G1, G2 और S। तो S फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, S फेज को बोलते हैं सिंथेसिस फेज। क्या बोलते हैं इसको, सिंथेसिस फेज। क्यों? क्योंकि इसमें DNA का सिंथेसिस होता है। अब जो DNA का फॉर्मेशन हुआ है ये क्या होते हैं, तो ये जो क्रोमेटीन किस फॉर्म में है, तो क्रोमेटीन के फॉर्म में। किसके साथ जुड़े रहेंगे, हिस्टोन के साथ। तो डीएनए हिस्टोन के साथ जुड़कर क्रोमेटीन के फॉर्म में होते हैं, और ये जो न्यू पे जो बना है वो पेयर में होते हैं, जिस कारण से डीएनए का कंटेंट तो बढ़ता है, डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम का कंटेंट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि क्रोमेटीन का ही कंडेंस्ड फॉर्म कौन है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटीन। तो एस फेज में क्या हो गया, सिंथेटिक फेज बोलते हैं इसको, और इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम रेप्लिकेट्स, इसलिए क्या बोला गया, क्रोमोजोम, क्योंकि क्रोमोजोम क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म है,
कंडेंस्ड फॉर्म है किसका? क्रोमेटीन का। और क्रोमेटीन क्या है? डीएनए और हिस्टोन का। इसलिए यहाँ पे किसका रेप्लिकेशन हो रहा है? क्रोमोसोम का बोला गया, लेकिन होता कौन है? यहाँ पे डीएनए कॉपी होता है। अब यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल फंक्शन एज टेम्पलेट एंड फॉर्म कार्बन कॉपीज। रेप्लिकेशन में जो इस तरह का डीएनए है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जिसमें एक जो होता है ये पेरेंट का काम करता है और यहाँ पे न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए एक टेम्पलेट का काम करता है और कार्बन कॉपीज का फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या लिखा? डीएनए कंटेंट डबल। डीएनए क्या होगा? 1C2 2C हैप्लॉइड सेल में, 2C2 4C डायप्लॉइड सेल्स में। हैप्लॉइड सेल्स जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ और डायप्लॉइड सेल जिसमें क्रोमोसोम नंबर का डबल। यानी क्रोमोसोम इसमें क्या होगा? एन फॉर्म में होगा और ये क्या होगा? 2N फॉर्म में होगा। उसके बाद है न्यू क्रोमेटीन जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं और हमेशा पेयर्स में जुड़े होते हैं, इसलिए क्रोमोसोम का नंबर इसमें इंक्रीज नहीं होता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए कंटेंट डबल होता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, ऐसा क्यों? इसके साथ इसमें क्या होता है? सब यूनिट्स ऑफ काइनेटोकोर्स भी सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो काइनेटोकोर्स क्या है? तो काइनेटिक कोर्स ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो किसके ऊपर होगा? सेंट्रोमियर के ऊपर होगा। इस तरह से जो हम लोगों का ये दिखता है, ये इस तरह का ये सेंट्रोमियर है और इसी के ऊपर एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर ये होता है। ये वो रीज़न है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ते हैं। ये वो रीज़न होता है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं, तो उसका फॉर्मेशन भी इसमें होता है। सेंट्रियोल्स जो हैं वो रेप्लिकेट होते हैं। सेंट्रियोल्स भी अपना नंबर्स क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो ये सारा जो होता है वो किस में होता है? एस फेज में। जीवन में हम लोगों ने देखा, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि इंटरफेज सेल साइकिल को दो फेज में बांटा गया, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज सबसे छोटा फेज होता है जिसमें एक्चुअल डिवीजन होता है, यानी जिसमें एक सेल जो है वो दो सेल्स में बट जाते हैं। लेकिन इंटरफेज क्या है? इंटरफेज वो फेज है जिसमें वो सारे चेंजेस होते हैं जिसके कारण पुराने सेल्स दो नए सेल्स में डिवाइड हों। तो इंटरफेज काफ़ी लंबा फेज है। ये अगर ह्यूमन सेल्स की बात करें तो ये 23 आवर्स का होता है। 24 आवर्स एक ह्यूमन चिक सेल को डिवाइड होने में लगता है लगभग। तो उसमें से 23 आवर जो है, 23 आवर्स जो हैं वो किसके लिए चले जाते हैं? इंटरफेज के लिए। तो इंटरफेज लंबा फेज है जिसके लिए इसे तीन पार्ट में या तीन सब फेज में बांटा गया है। कौन कौन? G1, S और G2। G1, S और G2। तो G1 फेज जो आया है, G1 फेज में क्या होता है? तो बेसिक चेंजेस जो होते हैं, जो सेल्स को रिक्वायर्ड हैं, वो इसके अंदर बायोसिंथेसिस होता है, बायोकेमिकल्स का फॉर्मेशन होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एस फेज को हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस फेज में डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा और किसका? काइनेटोकोर और सेंट्रियोल रेप्लिकेट्स करते हैं। अब हम लोग थोड़ा ये जानेंगे कि जो सेल्स है वो G1 से किस में जाएगा? S में, और S से किस में जाएगा? G2 में। ये जो फेज है
ये इस तरह से चलता है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक पॉइंट से गुजरना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चेक पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? चेक पॉइंट्स, जहाँ पे दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक इम्पॉर्टेंट है साइक्लिन प्रोटीन, और एक साइक्लिन प्रोटीन डिपेंडेंट एंजाइम CDK, इसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से जीवन जो है वो किस में चला जाता है, एस फेज में। जीवन जो है वो किस में चला जाता है, यस फेज में। और यहां पे कौन होता है, और यहां पे होता है माइटोटिक साइक्लिन, जो क्या करता है, यस से सेल को G2 में डालता है, यस से सेल को G2 में जाता है। अब हम लोग G2 फेज को देखते हैं। तो G2 फेज में क्या होता है, G2 में DNA के सिंथेसिस रुक जाते हैं, RNA का फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है, प्रोटीन बनते रहते हैं, और यहाँ से सेल क्या हो जाता है, अंडरगो डिवीज़न, प्रिपेयर टू अंडरगो डिवीज़न। और G2 से किस फेज में चला जाता है, यम फेज में।